cuisine, you know, the chicken korma. Yeah. Tikka masala. Yeah. Palak paneer. Palak paneer. Bro. Oh, bro. Chole. Chole masala. Chole masala. Bro, give me a hug, bro. Give me a hug. चलो ठीक है ना अंकुर भाई, ओके ब्रो, मिलते हैं आपसे अगली कंट्री में। ठीक है, कहाँ मिलना है? कह रहे इंडिया ही मिलेंगे अब तो सीधा सेंट पीटर्सबर्ग में। नहीं वहाँ नहीं जाना। चलो ठीक है भाई, बैठ। अच्छा सॉरी, आप तो मेरे साथ चल रहे हो। सॉरी मतलब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो अब मेरा जिम्मा इनके हाथ में है, अभी कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। अगर ये वीडियो आ जाए, कुछ हो जाए, मेरे को देख लेना। चलो यार, निकल रहे हैं यहाँ से। प्रद्युमन भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सो रहे होंगे ऑब्वियसली। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इन्होंने बताया भी नहीं उनको कि हम आ रहे हैं। अब चल के देखते हैं, सेटर लॉक लगा हुआ है तो फिर कॉल करेंगे, तो घंटी बजेगी, पूरे घर में गूंजेगी आवाज़, तो अपने आप खोल ही देंगे। निकलते हैं, पहले कॉफ़ी पीता हूँ यार, थोड़ी ना अजीब सा हो रहा है, एकदम ठंडा गर्म हो गया ट्रेन से निकलते ही। चलो भाई निकल रहे हैं ना अंकुर भाई, वीडियो तो बन गई पर शक्ल पे वो क्यों नहीं दिख रही बिल्कुल भी। चलो ठीक है, दुखी हूं ना बहुत। क्यों क्यों दुखी हो? बैटमैन को छोड़ के जाने का दुख है मुझे, बड़ा दुख हो रहा है। मुझे क्या होना चाहिए? मुझे बहुत दुख हो रहा है, अलग ही दुख है। तेरे को दुख होएगा इनके साथ रहने का। आज पता चलेगा, फ्राइडे है। आज फ्राइडे है, आज यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे है, तो मतलब आज पार्टी करेंगे। इसको जाती धो देना, ये तो पहनना है आपने। इसको जाती धो देना। यार हिलने का नाम नहीं लेते, एक एक गले में फंदा सा टांग लिया। थोड़ा समय लगता है। किस चीज़? ना नो नो इंडेक्स, विल बुक टैक्सी स्कैन। नो या टैक्सी स्कैन। चलो चलो हिंदी में बोलो थोड़ा। नो नो नो, थैंक यू थैंक यू। चलो उसकी उसकी मार रहा देख। ले लो टैक्सी लेबनन की। किसके टैक्सी का? यार इन लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, सारा का सारा ये लोग रशियन में लिख देते हैं। हम जैसे लोग क्या करेंगे? अब हमारे साथ ऐसे बैटमैन ना हो जो थोड़ी समझ पाए तो क्या होगा? वो खुद भी नहीं पता होता वैसे, कुछ कुछ चीजें हाँ ना कर देते, बाद में कहते अच्छा ये हो गया। क्या बोला अभी उसने जो ना बोला आपने? अच्छा चेंज पूछ रहे थे भाई, देखो सिक्के सिक्के भर गए हमारे पास तो। भाई पैसे उठाने से पहले ही आ गया। तो भाई आ गई हमारी लाटे और इनकी कैप अच्छी नो। और अभी ये कहते हैं सामने वाली लड़की को देखो, सामने वाले के बिल्कुल बाल नहीं और लड़की के सर पे इतने बाल जिसका कोई हाल नहीं। क्या लगता है टाइम कंफर्म? सो रहे हो? अरे खुल गया, क्या बात है। उठ गए भाई ये लोग भी। क्या बात है, लिफ्ट खोल के रखी है हमारे। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक फ्रेश व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। टुडे इज 26th और सुबह आ गए थे रेलवे स्टेशन से प्रणव भाई के घर पे, वहीं पर सो गया था मैं तो। आके ही अपनी मीटिंग वगैरह कर रहे थे, अब निकले थोड़ा एक्सप्लोर करने। 1:30 बज रहे हैं अभी दोपहर में। सुबह 6:30 बजे तो पहुँचे भी कहाँ थे, 7:30 बज गए थे आते आते। तो फिर थोड़ा रेस्ट भी जरूरी था क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाए थे। इनको तो कोई स्ट्रेंजर मिल जाए तो इनको बातें करना पसंद है, अब इनकी बातें सुन सुन के हमें भी नींद नहीं आई। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं कोई पार्क है, गोरखी पार्क स्पैरो हिल्स करके। मेट्रो से जाना पड़ेगा, यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता है जैसा कि इन लोगों ने बताया। और एक और चीज़, श्रेय को आप लोग जानते होंगे, इंडिया में फ्रेंड है मेरा श्रेय मेरठ का, जिसको कई बार आपने ब्लॉग में देखा होगा। उसकी एक फ्रेंड है, जब वो ऋषिकेश में था योगा कर रहा था जब वहाँ पे, तो वहाँ पे मॉस्को की ही एक लेडी थी, तो वो भी यहीं पर रहती है मॉस्को में। तो मैं यहाँ पे जैसे कि पता था आप लोगों को पहले अकेले घूमने वाला था, तो प्रणव भाई बाद में मिल गए। तो ये था प्लान कि उनसे मिलूंगा, थोड़ा वो दिखा देंगे मॉस्को कैसा है क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होगी ऑब्वियसली।
तो उनसे बात हुई थी लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे वो बिजी थी, फिर उन्होंने बोला था कि जब आओगे तब कॉल करना, तो आज मेरी बात हुई उनसे, तो आज भी वो बिजी हैं, कल मिलेंगी वो, तो कल आपसे उनको भी मिलवाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे वो यहाँ के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स भी बना दूंगा कल से मैं थोड़े। अभी यहाँ पर एक दो दिन और, दो तीन दिन और हूँ मैं, कल परसों और उसके अगले दिन, मतलब ट्यूजडे की मेरी फ्लाइट है, तो उसको मैं तीन चार दिन अच्छे से, दो तीन दिन पहले भी थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने की। अब यहाँ से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लेंगे, उसके बाद पहुँचते हैं कोर्की पार्क एंड स्पैरोविल्स। सेंट पीटर्सबर्ग में तो इतनी बर्फ नहीं पड़ी थी, मतलब स्नोफॉल एक भी दिन नहीं हुई वहाँ पे, बट यहाँ पर अभी भी स्नो जमी हुई है, और मतलब काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे डाल भी, मतलब भर के स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, तो सही है, ठंड हो रही है अच्छी खासी, इसीलिए मैंने दोबारा से तीन चार जैकेट डाल ली। पार्टी वगैरह देखते हैं कहीं जाएंगे, अंधेरा हो गया भाई बताओ, अभी दो ढाई बज रहे हैं, अभी से अंधेरा होना शुरू है, 3:30 बजे सनसेट हो जाएगा, यही होता है यहाँ पे पता है, सुबह 9:30 बजे सनराइज़ होता है, और 3:30 बजे 3:30 बजे सनसेट हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, गर्मियों में मिलता है बढ़िया टाइम, 20-21 घंटे दिन रहता है, 3-4 घंटे की रात रहती है खाली। इसके बगल में ये बहुत छोटे छोटे फूड कॉर्नर्स बने हुए हैं, इन लोगों ने तो अपना नॉन वेज मंगा लिया, यहाँ पर हमने वेजिटेरियन पूछा है कन्वर्ट करके, वेजिटेरियन हो तो ही देना, बोल तो रहा है हाँ 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 बेटा, वेजिटेरियन अगर नहीं हुआ ठीक है, ओकेजनल नॉन वेजिटेरियन तो मैं परमानेंट नॉन वेजिटेरियन हूँ नहीं मतलब मैं सर्वाइवल के लिए नॉन वेज खाता हूँ। नहीं नहीं कुछ कुछ बन रहा है भाई, यहाँ यार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दे दिया इसने, इतनी तेज भूख लग रही थी, कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, तब जाके मैंने खाया शोरमा रोल, इतना फील गया ना बता नहीं सकता, बट पेट की मजबूरी है, भरना तो पड़ेगा ही, ज़्यादा तो नहीं खाऊँ, बहुत लंबा है यार, तुम लोग खा लेना ये। और ये है भाई मॉस्को का आर्मी हेडक्वार्टर, मेरे को तो पता नहीं था, अभी प्रणव भाई ने बताया, बढ़िया लग रहा है यार आर्मी हेडक्वार्टर। कोर्की पार्क तो भाई देख लिया, अंधेरा हो गया था, फायदा नहीं आने का, पर ठीक है अच्छा था, मतलब अच्छी वाइज सही, मेरी तो हालत खराब हो गई चल चल के, 5:30 बजे 1.5 घंटा हुआ घर से निकले, बट हालत खराब हो गई इतना चल चल के। Chole masala.
This is my man. Chole masala. Awesome, thank you so much. Oh yes, you. Guys, bro, I love you. Брат, я короче хочу приехать в ресторан, но не завтра, но послезавтра, ну завтра сам понимаешь. Thank you. Recently, he worked in India. Yeah. He fly to India, and I call him, bro, come on, bring me some curry leaves. He went to Delhi. Where is the curry leaves? What the fuck is this? This is the curry leaves.